अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद शुरू होता है, तो वो कुछ ऐसा होगा 11 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह है प्रीपोजिशन का द रिंग इज मेड डैश गोल्ड, और ब्रैकेट में यहां लिखा होता है यूज करेक्ट प्रीपोजिशन। अब हम इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, तो हम इसमें यूज करेंगे, उसमें ऑप्शन दिया है ऑफ विद टू, हम बहुत अच्छे से इसमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर आपको ऑफ का यूज करके बता सकता हूं। इस तरीके से आप द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड यहां पर उतार सकते हैं, टाइम कम लगे जिससे आप अधिक से अधिक सॉल्व कर सकें कम से कम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, ये आएगा कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, तो क्वेश्चन है He admitted that, और यहां लिखा होगा complete the sentence, तो आइए ब्लैक से ही कराते हैं। Answer number 11 2, ऐसे लिखेंगे He admitted that, admitted माने स्वीकार किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि क्या that he was guilty, कि वह दोषी है, यही एडमिट किया उसने, तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो होगा 11 का थर्ड, और ये क्वेश्चन है जी, हाँ स्पेलिंग का आएगा, तो एक है एफ आर डैश के, और दूसरी स्पेलिंग है सी डैश यू डैश, उसके बाद है एल, तो हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं पे चाहे तो, फ्रैंक एंड क्रूअल, इस तरीके से हम स्पेलिंग कर लेंगे, एक मार्क की आते हैं, बाकी टू मार्क्स से सारे क्वेश्चन। इसके बाद आएगा जी पंक्चुएशन, 11 का फोर्थ क्वेश्चन लिखा होगा पंक्चुएट द सेंटेंस। मेरी आपसे एडवाइस है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये और बहुत आसान है, जरा सी कोशिश करते हैं ये क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो इसमें आया था इस तरीके से लिखा है ही सेड विल यू हेल्प मी और शैल आई आस्क समवन एल्स, जी इसमें कुछ नहीं लिखा है, फुल स्टॉप भी नहीं लगाए, यही तो हमें करना है। अब इसके आंसर लिखेंगे, 11th का है फोर्थ, कैपिटल लेटर से यूज करेंगे, ही सेड, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है, मैंने देखा है बार बार डायरेक्ट नरेशन ही आता है, उसको हम यू नो पंक्चुएट करें कॉमा इनवर्टेड कॉमा का यूज करके, क्वेश्चन यू नो का साइन करने लगा कर, कैपिटल लेटर यूज करके, फुल स्टॉप करके, कॉमा करके, इससे कंप्लीट, तो ही सेड देन कॉमा इनवर्टेड कॉमा, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद कैपिटल लेटर विल यू
हेल्प मी और शैल आई की जरूरत भी नहीं है, चलो शैल आई आस्क समवन एल्स एंड क्वेश्चन मार्क और इनवर्टेड कॉमा को बाहर से क्लोज कर दो। ध्यान रखिए क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद इनवर्टेड कॉमा ऊपर से रखेंगे, क्वेश्चन मार्क बाहर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही स्पीच का एक पार्ट है। तो इसे आप उतार लीजिएगा। इस तरीके से ये दो हमने जो ग्रामेटिक पोर्शन थे कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, इसे आप उतार सकते हैं और अगला पार्ट हम अगले वीडियो में करें।